ताजनगरी आगरा में शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी नाम एमडी जैन इंटर कॉलेज के अध्यापक डॉक्टर निखिल जैन को राज्य अध्यापक पुरस्कार के लिए नामित किया गया है। डॉक्टर निखिल जैन एमडी जैन इंटर कॉलेज में विज्ञान और गणित विषय बच्चों को पढ़ाते हैं और विज्ञान क्लब आगरा के जिला समन्वयक है। डॉक्टर निखिल जैन को यह पुरस्कार मिलना आगरा के लिए गौरव की बात है। ताजनगरी आगरा के शिक्षा क्षेत्र में अग्रणी नाम और आगरा के प्राचीन शिक्षण संस्थान एमडी जैन इंटर कॉलेज में अध्यापन कराने वाले अध्यापक डॉक्टर निखिल जैन को राज्य अध्यापक पुरस्कार से सम्मानित करने की घोषणा सरकार द्वारा की गई है, जिसको लेकर डॉक्टर निखिल जैन को लोगों द्वारा शुभकामनाएं प्रेषित की जा रही है। डॉक्टर निखिल जैन को यह पुरस्कार विज्ञान में नए नए प्रयोग करने के लिए दिया जा रहा है। उनका यह प्रयोग कबाड़ से जुगाड़ ने बहुत ही ख्याति प्राप्त की है। इसके अलावा डॉक्टर निखिल जैन को 2017 में यशपाल सम्मान से सम्मानित किया जा चुका है। सन 2017-2018 में राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी द्वारा शिक्षक पुरस्कार से और आईसीटी प्रतियोगिता में प्रथम स्थान, इसके अलावा राज्य स्तरीय आदर्श पाठ योजना के लिए पुरस्कार मिल चुके हैं। डीजी महाजन न्यूज से बात करते हुए डॉक्टर निखिल जैन ने बताया कि विज्ञान विषय को थ्योरी नहीं प्रैक्टिकल पढ़ना चाहिए। विज्ञान में जितना ज्यादा आप प्रैक्टिकल कर सकते हैं उतना ही ज्यादा आपकी समझ में आएगा। छात्रों के लिए उन्होंने बताया कि विज्ञान विषय को लेकर वे झिझके नहीं, वे अपने अध्यापक से प्रश्न को बार बार पूछ सकते हैं। जितना ज्यादा झिझकेंगे विज्ञान विषय उतना ही कठिन लगेगा। इसके अलावा उन्होंने अपने शिक्षक साथियों से अपील की है कि छात्रों को ज्यादा से ज्यादा प्रयोग द्वारा सिखाने की कोशिश करें। एमडी जैन इंटर कॉलेज हरि पर्वत आगरा में विज्ञान व गणित के सहायक अध्यापक पद पर कार्यरत हूं। आपको यूपी सरकार ने राज्य पुरस्कार के लिए नामित किया है, किस चीज़ को लेके नामित किया है? सबसे पहले तो बहुत ही प्रसन्नता हो रही है कि मुझे राज्य अध्यापक पुरस्कार के लिए चयनित किया गया है और ये पुरस्कार मुझे विज्ञान व गणित के विषय के लिए दिया गया है। इससे पहले आप कहाँ से आपने शुरुआत की थी, किस विद्यालय से और कहाँ ऐसी रुचियाँ आई और जो इस तरह का आपने क्या बनाया ऐसा प्रोजेक्ट जिसकी वजह से ये पुरस्कार? सबसे पहले मैंने 2001 में सुमंत कुमार माहेश्वरी इंटर कॉलेज कासगंज से अपने अध्यापन कार्य का शुभारंभ किया। 2008 तक कासगंज में रहा। 2009 में एमजी जैन इंटर कॉलेज हरि पर्वत आगरा में विज्ञान व गणित के सहायक अध्यापक पद पर नियुक्त हुआ। मेरा शुरू से ही मानना था कि विज्ञान विषय को किताबों में सिमटकर नहीं पढ़ाया जा सकता, इसलिए मैंने विज्ञान को पढ़ाने के लिए छोटे छोटे प्रैक्टिकल्स बनाकर क्लास में सिखाना शुरू किया। बच्चों को रुचि बढ़ती गई तो मैंने भी और थोड़ी मेहनत कर और ज़्यादा प्रैक्टिकल्स की शुरुआत करी। इसके अलावा आप तो आगरा में विज्ञान समन्वयक भी हैं जिला आगरा के, जी कई पुरस्कार आपने इस तरह के दिलवाए हैं, क्या ऐसा रहता है बच्चों को आप किस तरह से समझाते हैं जो आपके कई बार बच्चे पुरस्कार भी ले गए हैं जिला स्तर पर, मंडल स्तर पर, प्रदेश स्तर पर, बच्चों को पढ़ाने की क्या तकनीक है? मैं हमेशा बच्चों से ये कहता हूँ कि हमेशा ऊँचा सोचो, बड़ा सोचो, जो भी आपके अंदर प्रतिभाएं हैं उनको बाहर निकालने का प्रयास करिए। मैं उन बच्चों को साइंस एग्जीबिशन के माध्यम से मंच प्रदान करता हूं और मुझे खुशी है कि लगभग 10 वर्षों में मेरे द्वारा लगभग 2000 से अधिक बच्चे पुरस्कार पा चुके हैं। जवाहरलाल नेहरू बाल विज्ञान प्रदर्शनी हो या इंस्पायर अवार्ड या समग्र शिक्षा अभियान, इन सभी में बच्चे राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कार व पदक प्राप्त कर चुके हैं। क्या संदेश देना चाहेंगे आप बच्चों के लिए और अपने साथी शिक्षकों को? हमेशा मेहनत से काम करें सभी लोग, और बच्चों से ये मैं कहना चाहता हूँ कि जो उनके मन में जिज्ञासा है उस जिज्ञासा को बाहर निकाल करने का प्रयास करें, अपने अध्यापकों से क्वेश्चन पूछें, निराश ना हों, क्योंकि निराशा एक बार लगेगी लेकिन दूसरी बार सफलता जरूर मिलेगी। विज्ञान को एक कठिन विषय माना जाता है करके बच्चों के हिसाब से अगर देखा जाता है, इसको कैसे सरलतम रूप में समझा जा सकता है आपको? यही मेरा प्रयास था, मेरा शुरू से मानना था कि विज्ञान एक विषय बहुत कठिन है, लेकिन जब से मैंने छोटे छोटे प्रैक्टिकल बनाए और मैंने उनको दिया नाम कबाड़ से जुगाड़ का, मतलब जो बेकार की वस्तुएं हैं वो जो हम लोग बेकार फेंक देते हैं उनको मैंने इकट्ठा करके विज्ञान
के प्रैक्टिकल्स को समझाना शुरू किया। जैसे हम परावर्तन समझाने का प्रयास करते हैं तो समतल दर्पण हमारे घर में है, दो पेंसिलों के माध्यम से परावर्तन सिखा सकते हैं। बैलून है, उससे क्रिया प्रतिक्रिया का नियम सिखा सकते हैं। मेरे जो द्वारा बनाए गए प्रयोग हैं बहुत सस्ते और आसानी से उपलब्ध होने वाले हैं। मेरे पास 100 बच्चों की लगभग टीम ऐसी रहती है जो विभिन्न विद्यालयों में जाकर उन प्रयोगों को दिखाने का काम करती है। आपको जिस प्रोजेक्ट की वजह से नामित किया गया पुरस्कार के लिए, कबाड़ से जुड़ा है, किस तरह से शुरुआत है उसकी और क्या उसमें विशेष रहा है जिसकी वजह से? सर, कबाड़ से जुगाड़ में सर ये है कि जो हम बेकार की वस्तुएं हैं जो फेंक देते हैं, उन सभी को इकट्ठा करने के बाद जो भी एक्सपेरिमेंट होते हैं उसके उनके प्रयोग बनाए जाते हैं। जैसे हमने खाली बोतल फेंक देते हैं, खाली बोतल और बैलून का यूज कर हमने क्रिया प्रतिक्रिया के नियम को समझा दिया। दो जो स्टिक होती हैं उससे हमने विद्युत के बारे में समझा दिया, मैग्नेट के बारे में समझा दिया, जो चूरा होता है मैग्नेट का उससे हमने चुंबकीय बल रेखाओं को दिखाने का प्रयास किया। डीजी महाजन न्यूज़ के लिए शैलेंद्र लवानिया की रिपोर्ट।